तो देखिए, चुनाव नतीजों के बाद टीडीपी और जेडीयू की भूमिका अहम हो गई है। टीडीपी के 16 और जेडीयू के 12 सांसद जीते हैं, और अगर ये दोनों एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन की तरफ चाह जाते हैं तो एनडीए बहुत दूर हो जा रही है बहुमत से। यही वजह कि इंडिया गठबंधन के तरफ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर डोरे डालने शुरू कर दिए गए हैं। जैसे जैसे चुनाव के नतीजे आते जा रहे थे, सबकी निगाहें केवल दो नेताओं की तरफ उठ रही थीं, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू नेता एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अपने दम पर तो बीजेपी को भी बहुमत नहीं मिला है, और 16 सांसदों वाली टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और 12 सांसदों की पार्टी जेडीयू के नेता नीतीश कुमार अगर एनडीए का साथ छोड़ देते हैं तो एनडीए भी बहुमत से दूर हो जाएगा। यही वजह है कि इंडिया गठबंधन के नेता इन दोनों नेताओं को मनाने में जुट गए हैं। इंडिया गठबंधन के नेता अब नीतीश कुमार की तारीफ भी करने लगे हैं। आपसे कहता हूं कि नीतीश जी इस गठबंधन के सूत्रधार भी थे, हालांकि बाद में उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन मुझे जहां तक उनकी राजनीति को मैं समझता हूं, और जो तेजस्वी जी बार बार कह रहे थे कि 4 जून के बाद कुछ बड़ा हो सकता है, तो संभवतः नीतीश जी या फॉर दैट मैटर चंद्रा बाबू, वो दोनों चाहेंगे कि देश को इस आत्म केंद्रित आत्ममुग्ध एक वेंडेटा वाली पॉलिटिक्स से दूर ले जाया जाए, ऐसा मेरा विश्वास है। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को टीडीपी और जेडीयू को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, और उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। बुधवार को इंडिया गठबंधन की बैठक भी होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।